नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल केमिस्ट एडवाइस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको नियोक्लोबिनेट जीएम क्रीम के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं। नियोक्लोबिनेट जीएम क्रीम 10 ग्राम की पैकिंग में आती है और इसके निर्माता है इंड स्विफ्ट। इस ऑइंटमेंट को तीन प्रकार के सक्रिय सामग्रियों से मिलाकर निर्मित किया जाता है। जिस तीन सामग्रियों से इस्तेमाल किया जाता है वो है क्लोबिटासोल टॉपिकल 0.5%, नियोमायसिन टॉपिकल 0.5%, मिकानाजोल टॉपिकल 2%। में आइए दोस्तों अब जान लेते हैं नियोक्लोबिनेट जीएम क्रीम के यूजेस के बारे में। इस क्रीम का उपयोग कई रोगों को दूर करने में किया जाता है, जिनमें से कुछ बीमारियों के बारे में आपको ऐसे बता रहे हैं। इस क्रीम का यूज सूक्ष्म जीवी संक्रमण के लिए किया जाता है। पैरों में या फिर शरीर के किसी भी पार्ट में हुए दाद को ठीक करने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है। योनि में हुए इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इस क्रीम का यूज किया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी अनुक्रिशल डर्मोसाइटिस की स्वेलिंग व इचिंग को ठीक करने के लिए भी इसका यूज होता है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं नियोक्लोबिनेट जीएम क्रीम कैसे काम करता है। ये क्रीम फोलोफोसिस A2 इनहेबिटरी प्रोटीन को एक्टिव करके मरीज की हालत में सुधार लाता है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को बनाए रखता है। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट को क्रिएट कर मरीज का इलाज करता है। यह शरीर में सूजन पैदा करने वाले रसायनों के कार्यों को कम करके मरीज का ट्रीटमेंट करता है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं नियोक्लोबिनेट जीएम को कैसे उपयोग करें। इस क्रीम को प्रभावित जगहों पर लागू करें। इसे सुबह और शाम को दो बार करके हर रोज इस्तेमाल करें, या फिर जैसा आपके डॉक्टर द्वारा निर्देशित किया जाए वैसे ही उपयोग करें। इस क्रीम को केवल स्किन पर ही लगाएं, बिना चिकित्सक द्वारा पूछे इस चेहरे, गले या अंडर आर्म्स पर उपयोग न करें। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं नियोक्लोबिनेट जीएम क्रीम के दुष्प्रभाव के बारे में, यानी साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस क्रीम का कुछ साइड इफेक्ट है जो कि शामिल किए गए निम्नलिखित संयोजित सामग्रियों से हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इस दवा का साइड इफेक्ट हमेशा हो, लेकिन फिर भी नीचे बताए गए दुष्प्रभाव के नजर आने पर फौरन ही अपने चिकित्सक से संपर्क करें। इससे शरीर में दर्द हो सकता है, उपयोग किए गए जगह पर सनसनी जलन हो सकती है, कुपोषित यानी कि फोलिसिटिस हो सकता है, उंगलियों में लकवा मार सकता है, त्वचा पर क्षय हो सकता है, इससे स्किन ड्राई हो सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी नियोक्लोबिनेट जीएम के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब इसे किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।